अरे भाई, जमुना पारी तो बहुत घुमा दिया, अब थोड़ा बोरलैंड भी घुमा दो। इंशाल्लाह बोयर की है ना बटालियन बताते हैं अपन सब लोगों को, है सबके सामने। हर टाइप के बोयर है अपने पास, सेकेंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन इम्पोर्टेड ब्लड लाइन के भी बोयर है। तो हर बोयर है ये हमारे पास है, इतने सारे जो पलाई के है। पहले स्टार्टिंग में बताएंगे कि इसमें से बिकने वाले कोई भी नहीं है, कस्टमर ध्यान दे, ये है सिर्फ हम लोगों के पास पलाई पे आए हैं। और हम लोग ये हमारे पास कितने बोयर है, क्या कंडीशन में कैसे बने हुए, ये आप लोग डिसाइड करो, बताओ। हमारे कस्टमर आके फीडबैक तो बाद में देंगे हर एक बकरे का, तो इंशाल्लाह बता दे बोयर की। तो अपने शुरुआत अपने कैप्टन से करते। ये बटालियन है बोयर की, सब लाइन में खड़े हैं, उसमें आगे इनका लीडर खड़ा है। तो पहले लीडर के बारे में बताओ। लीडर ये है पठान, माशाल्लाह इसका स्ट्रक्चर देखो। माशाल्लाह पठान, ये फोर्थ जनरेशन बोयर है। फर्मा पेटा, माशाल्लाह बहुत मोहब्बती है असल में। मारता वारता नहीं है, बहुत मोहब्बती जानवर है। माशाल्लाह पठान। इसके बाद में हम लोग बताएंगे कि बोयर में कौन से टाइप के आते हैं। ये मालवा क्रॉस बोयर है। ओहो, सिक्का देखो इसका, माशाल्लाह मुबारक भाई का बोयर है ये। पेटा देखो, पेटा देखो माशाल्लाह। हाँ, ये थोड़ा एग्रेसिव है, इससे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। आया, दिखाना तो पड़ेगा भाई। आया माशाल्लाह, लेंथ भी अच्छी है। टाइगर ना, टाइगर टाइगर ये है थर्ड जनरेशन बॉयर। माशाल्लाह इसका पेटा देखो, ये भी नहीं मारता है। चलो चा टाइगर, चलो मुंडी सीधे करो, मुंडी ठीक है टाइगर। इसके बाद है मुक्तदीर भाई का रॉकी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सेकंड जनरेशन बॉयर है, ये हम लोगों ने लाके दिए थे जब हमारे नौ बॉयर आए थे ना, वो लॉट में का बच्चा ही है। सेकंड जनरेशन ये आता है मारने के लिए आंख पे। ए ओके, इसके बाद में है ये फैज भाई का रोलेक्स। रोलेक्स हर बोर की कंडीशन देखो कैसी है, हमारे पास साफ सुथरे पेटे हर किसी के निकले हुए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी सेकंड जनरेशन है। सेकंड जनरेशन ओके। रोलेक्स के बाद इसके बाद में है ये इमरान भाई का, इसका नाम कुछ नहीं रखे हुए। अरे ये भी सेकंड जनरेशन है। इमरान भाई के ऐसा एग्रेसिव है। और उसके बाद हम लोग बता रहे ये फर्स्ट जनरेशन बॉयर है। फर्स्ट जनरेशन बॉयर डॉक्टर बैलूल, ये देखो। ये भी हम लोगों ने लाए थे लॉट, उसमें का एक पीस। हाइट अच्छी है, लेंथ हाइट अच्छी है। बॉयर में एक्चुअली शॉर्टी हाइट होना चाहिए, बराबर। तो वो जैसा पठान की कितनी शॉर्टी हाइट है, सेकंड जनरेशन की थोड़ी ऊपर है, फर्स्ट जनरेशन ऊपर होता है। ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन MSQ के वीडियो में डिस्क्राइब कर चुके हैं कि कैसा होता है। ये उस्मानाबादी क्रॉस बॉयर है शाहिद भाई का, मारता ही है। इसका भी पेटा देखो माशाल्लाह। उसके बाद ये थोड़ा एंटिक, ये एंटिक में है, कॉम्पैक्ट है, शॉर्टी लेंथ है, उस्मानाबादी क्रॉस है। ये भी इब्राहिम भाई का बोयर। कलर कॉम्बिनेशन देखो बहुत बेहतरीन है इसका, बहुत बेहतरीन। आगे के पैर पूरे ये ब्लैक है, पीछे के व्हाइट है। अब वो ये जुबेर भाई का फर्स्ट जनरेशन बोयर है ये भी, इसलिए हाइट भी अच्छी। शोएब भाई का सेकंड जनरेशन बॉयर,
कैमरामैन इधर उधर हो गए थे तो इसीलिए हम लोग है ना ये शोएब भाई का बताते नदीम भाई के ऊपर आए। ये नदीम भाई का बॉयर है, रोजर नाम है इसका, माशाल्लाह। ये भी सेकेंड जनरेशन है। ये नकीब भाई का बॉयर है, उनका होम ब्रीड पे होम ब्रीड का बच्चा पैदा हुआ था, यहाँ पर लाके दिए थे, छोटा सा था, अब बड़ा बड़ा हो गया माशाल्लाह। प्रिंट कितनी अच्छी है ना, ऐसा लग रहा है जैसा घोड़े की जीन रहती है, वैसी लग रही है। उसके बाद शोएब भाई, उसके बाद में शोएब भाई के पास जाते हैं, जो पहले हम लोग जाते जाते यहाँ पर आ गए थे। दाढ़ी देखो माशाल्लाह। ये शोएब भाई का बॉयर है, रोमन नोज बोलते हैं ना, मतलब पंच, डबल पंच, डबल पंच में ये इसके है ना, ये हमेशा रहेगा क्योंकि डबल पंच में है, खुर 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 का आवाज आएगी। ये पहले से इसका दाढ़ी वाड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह है। ये अब ये आते हैं फुल ब्लड लाइन बॉयर है, ये किसका क्या है वो नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे इंशाल्लाह अगले साल इसके बारे में। और ये खस्सी बॉयर, खस्सी ये डॉक्टर मुदस्सिर का है, खस्सी बॉयर माशाल्लाह, अच्छा तैयार है डॉक्टर मुदस्सिर, एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट है और लोगों की मदद करने, हम लोगों के मतलब ऐसा है कि हम लोगों ने उनको कॉन्टेक्ट किया हमेशा किसी की हेल्प के लिए, तो हमेशा रेडी रहे, लेकिन वो आ नहीं पाते हैं हमारे फार्म पे, वो खाली बकरा बेच दिया, उसके बाद में आए नहीं, सिर्फ वीडियो कभी कभार महीने में एक से लेकर 10 तारीख के बीच में जाती है वजन की, बस दैट्स इट। उसके बाद में है ना बहुत शेड्यूल बिजी है उनका, कोशिश करेंगे कि उनको कैमरे पे लेके आए, बॉयर के बारे में बात करें, फर्स्ट टाइम उन्होंने किधर कोई फार्म पे बकरा पलाई पे दिया हुआ है, तो उनको रिजल्ट कैसा लगा रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए एक बार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वक्त निकाल के और हमारी हौसला अफजाई करें, हाँ हौसला अफजाई करें हमारी, ताकि वो आए। और ये है मुबीन भाई का सेकंड जनरेशन बॉयर, ये अंडुई था, इसको रिसेंटली पंच किया गया 2 महीना पहले, और ये भी हम लोगों ने लाके दिए हुए। ये भी सेकंड जनरेशन बॉयर है अजीज भाई का, ये बॉयर का ये है कि ये 2 टाइम पैरालाइज का झटका मार चुका है, उसके बाद में भी आप लोगों के सामने खड़ा हुआ है। सेकंड जनरेशन में हमारे लॉट में सब में छोटा बच्चा जो ये था वो है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ऐसा है, फिट एंड फाइन खड़ा हुआ, अच्छे खासे वजन के ऊपर है, फाइटर है माशाल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह फाइटर, 2 बार हिस्टेरेसिस का झटका खा के माशाल्लाह अभी भी फुल मस्ती कुश्ती है। ये फिर आता है, ये भी इमरान भाई का है, सेकंड जनरेशन बॉयर है, ये अभी रिसेंटली आया हुआ है हमारे पास 2 महीना पहले, अगले साल इंशाल्लाह देखेंगे। अभी इसमें से कितने बॉयर जाएंगे कितने रुकेंगे हमारे को नहीं पता। ये भी सेकंड जनरेशन है, रेस्ट मोड पे है, रेस्ट रहने दो। और माशाल्लाह ये अदंत में इम्पोर्टेड ब्लड लाइन मास भाई का बॉयर है, इसका नाम है थॉर, इसका टैग नंबर है, लेन देखो अदंत में बहुत ही बेहतरीन है, अभी फिलहाल माशाल्लाह बहुत अच्छे वजन पे भी जा रहा है, मास भाई का है, मास भाई को देख के खुश हो जाएंगे। मास भाई कमेंट जरूर करना कि आपके बॉयर के साथ में मतलब आया तभी क्या दिक्कत हुई, क्या पालने में ये होता है, तो मैक्सिमम जितने भी हमारे कस्टमर है वो हमारे को कमेंट में करे कि कितने तकलीफ होती है बॉयर पालने में, स्टार्टिंग में सेट करने में कितना दिक्कत होती है, ये हर चीज है ना दिखना चाहिए, लोगों के सामने आना चाहिए, और आप लोग भी कैमरे पे आओ और हमारे को फीडबैक दो ताकि हम लोगों के सामने हकीकत बताए। अभी ये हम लोगों ने हमारे तरफ से बता दिया है सब, लेकिन क्या है कस्टमर खुद आके बोले ना तो वो लोगों को यकीन होता है, क्योंकि हमारे पास हमारा एक्स्ट्रा कोई यूट्यूबर नहीं है, कोई नहीं है, हमारे फार्म के कैटेगर भी हम लोग है, यूट्यूबर भी हम लोग है, सब हम लोग है। इसके लिए बहुत सारी वीडियो बनाने में गलतियां होती है भाई, हम लोग प्रोफेशनल नहीं है, हाँ, तो वो थोड़ा बहुत कि जितना ज्यादा से ज्यादा दिखा सके, इसमें बहुत सारे ऐब है दिखाने में, हमको पता है, पर क्या करें, दिखाना जरूरी है, सीख रहे हैं, नहीं करने से तो बेहतर है ना, हाँ, नहीं दिखाने से तो बेहतर है कि थोड़ा बहुत गलती, मतलब 2-3 सालों से हम लोगों के पास से बहुत, 2-3 सालों से हमारे पास से ना बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट के बकरे गए, लेकिन हमारे को दिखाने का वक्त ही नहीं मिला अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो हमारे कस्टमर है वो सेटिस्फाइड है, तभी हमारा फार्म ऑलमोस्ट फुल है, वरना अगर हमारे पास रिजल्ट ही नहीं मिलता तो फार्म कहाँ से फुल होता था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों एहसान है और आप लोगों की सबकी दुआ है, उम्मीद करता हूँ कि हर बकरे फिट एंड फाइन उनके घर पे जाए, कुर्बानी हो, तमाम फार्म वाले लोगों के पास से भी वो फिट एंड फाइन कुर्बानी के बकरे अच्छे से जाए और अच्छे तैयार हो, हर फार्म की तारीफ हो,
तो एंड में हम लोग साइनिंग ऑफ करते हैं। बस दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, गरीबों की मदद करना भूलना नहीं, अपने अम्मी अब्बा का फमा बदा बनो, ज्यादा से ज्यादा झाड़ लगाओ, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया पॉल्यूशन फ्री इंडिया। और बताना क्या हमारे पास इतने क्वांटिटी में बोयर है, कैसे लगे आपको? अल्लाह हाफिज़।